गुलाब यादव उस समय 2016 में ये झंझारपुर विधानसभा से सिटिंग एम थे आर पार्टी के तो इन्होंने अपने आवास पे मुझे बुलाया कि मैं राज्य महिला आयोग में, में मेंबर बना दूँगा आप रिज़्यूम लेकर के मेरे आवास पे आइए जब मैं रिज़्यूम देने वहाँ गई तो उन्होंने गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप किया ललित सिंदूर लेकर आओ और इसके बाद सबके सामने लगाया बाकायदा सिंदूर मुझे और बोला कि देखो मैं नशे के हालत में हो गया ऐसा है एफ आई आर मत करो मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करूँगा मैं सारा चीज़ जो एक महिला को लाइफ में चाहिए मैं सारी चीज़ें तुम्हारे लिए करूँगा और ज़बरदस्ती के बाद उसने वो न्यूड फोटो मेरा रखा ब्लैकमेल करने लगा इसके साथ ही तो ये चीज़ें जब चल रही थी लगातार कि तुम्हारा अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं थी तो मैं डर भी गई कि नंगा फ़ोटो छाप दूंगा भाई ताकतवर लोग हैं प्रभावी प्रभावशाली लोग हैं प्रभावशाली तो ऐसे हैं कि आज भी देखिए हम तीन साल से आवाज़ उठा रहे हैं 2020 से एप्लीकेशन दे रहे हैं जगह जगह जग, जग, आज तक क्या हुआ उसमें अब मेरा बेटा चार साल का है इसका एडमिशन नहीं हो रहा है कहीं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना तो उस समय भी मैं इसीलिए डरी हुई थी कि अगर मैं आवाज़ भी उठाऊंगी तो ताकतवर लोग हैं मुझे दबा देंगे कुचल देंगे जो आज भी हो रहा है आवाज़ उठाने के बाद भी वही हो रहा है दोनों ने खाने पीने की चीज़ों में नशीली चीज़ें मिला कर के मेरे साथ रेप किया उसका उसकायदा गुलाब यादव ना गुलाब यादव ने वीडियो बनाया और अब गुलाब यादव मुझे दूसरे तरीके से ब्लैकमेल करने लगा कि पहले तो मैं मेरा सिर्फ तुम्हारा न्यूट फोटो था अब मेरा संजीव तुम्हारा संजीव हंस के साथ है अगर संजीव आ, हंस बारे में तो हाँ, संजीव बिहार कैडर के आई ऑफिसर हैं वो प्रेजेंट में ऊर्जा विभाग के सचिव हैं प्रयाम कहता है कि माँ बेटे को मार के गंगा में डाल देगा रेप केस में जाने से अच्छा है मर्डर केस में जाऊंगा इधर उधर लोगों से धमकी दिलवाता रहता है गुलाब यादव नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव बिहार मैं आपके साथ रूपम अक्सर हम अशिक्षित अक जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनका शोषण होते हुए हम देखते हैं लेकिन ताजुब तब होता है जब एक शिक्षित महिला जो न्याय की अच्छा खासा जानकार है उनका शोषण होता है और आवाज़ नहीं उठा पाती है आवाज़ उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है आज उसके लिए हम बात करते हैं आज हमारे साथ गायत्री जी जुड़ी हुई हैं जो कि ये न्याय की जानकार भी हैं खुद एडवोकेट हैं लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इनके साथ शोषण हुआ शोषित हो, होते रहें लगातार और इनका एक बच्चा भी है हालांकि बच्चा है और उनके पिता का नाम अभी तक नहीं मिल पाया है पूरी कहानी पूरी जानकारी हम गायत्री जी से ही लेते हैं गायत्री जी सबसे पहले तो लाइक ध्यान में बहुत ठीक है ठीक है धन्यवाद नमस्कार आप लोगों का जी आप किन लोगों के नाम ले रहे हैं क्या कुछ हुआ है आपके साथ देखिए ये घटना 2016 की है मैं प्रैक्टिस करती थी मैं लॉयर थी मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की हूँ दो में मैं पुराने किसी केस में आई हुई थी वहाँ मेरी मुलाकात एक भारतीय शिवनंद भारती, भारती नामक एडवोकेट है उसके थ्रू गुलाब यादव से हुई गुलाब यादव ने हमें गुलाब यादव उस समय 2016 में ये झंझारपुर विधानसभा से सिटिंग एम थे आर पार्टी के तो इन्होंने अपने आवास पे मुझे बुलाया कि मैं राज्य महिला आयोग में मेंबर बना दूंगा आप रिज़्यूम लेकर के मेरे आवास पे आइए जब मैं वो रिज़्यूम देने वहाँ गई तो उन्होंने गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप किया उस समय जब मैं एफआईआर करने थाने जाने लगी तो इन्होंने अपने स्टाफ चार पांच जो भी थे उसमें से एक का मुझे नाम हमेशा याद रहता है ललित यादव क्योंकि उससे इन्होंने सिंदूर मंगाया कि ललित सिंदूर लेकर आओ और इसके बाद सबके सामने लगाया बकायदा सिंदूर मुझे और बोला कि देखो मैं नशे के हालत में हो गया ऐसा है एफआईआर मत करो मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करूंगा मैं सारा चीज़ जो एक महिला को लाइफ में चाहिए मैं सारी चीज़ें तुम्हारे लिए करूंगा बस तुम एफआईआर मत करो मैं ऑफिशियली डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगा क्योंकि देखिए मैं एडवोकेट हूँ मैं देखती हूँ कई ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आते हैं माननीय न्यायालयों के कि उसमें रेप पीड़िता और रेप के क्यूज के शादी के उस पर केस को ख़त्म कर दिया जाता है कम्प्रोमाइज़ मतलब कंप्रोमाइज़ कम्फर्टेबल तो नहीं है लेकिन उसमें होता है कि क्यूज कभी होता है कि आप अगर शादी कर लेते हैं तो ये प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाती है तो मुझे लगा कि अगर ये कर लेगा तो हम इस समय मतलब उस समय जो बोला हम एफ करने थाने जा रहे थे हम रुक गए उसकी बात पर इसके बाद वो क्या किया कि मुझे अलग अलग जगहों पर बुलाने लगा डिवोर्स दे दिया डिवोर्स दे दिया हूँ आप पुणे आइए क्योंकि मेरी उनकी फैमिली पुणे रहती थी आप पुणे आइए मैं डिवोर्स दे चुका हूँ जब मैं पुणे गई वेस्ट फैमिली से मिलवाने की नहीं नहीं मैं उनकी फैमिली पुणे रहती थी वो डिवोर्स क्योंकि पुणे के न्यायालय से होता सिविल कोर्ट से तो उन्होंने कहा कि मैं डिवोर्स ले लिया हूँ तुम पुणे के होटल में आओ वेस्टर्न होटल में यहाँ से तुमको डिवोर्स का पेपर दिखाऊंगा कि मैं ऑफिशियली ले चुका हूँ जब मैं वहाँ गई क्योंकि उसके बाद जब एक बार मेरे साथ रेप किया तो वो लगातार मुझे बुलाने लगा कि मैं यहाँ हूँ यहाँ दिल्ली में घर खरीद रहा हूँ यहाँ आओ तुम्हारे लिए यहाँ शादी करूँगा ये मतलब हमेशा शादी का झांसा दे देकर मैं और जो आपको भरोसा नहीं हुआ उस व्यक्ति पे जो ज़बरदस्ती हाँ, किया और हमेशा शादी का जहाँ इसलिए इसलिए भी देखिए हम जबरदस्ती किया और ज़बरदस्ती के बाद उसने वो न्यूड फोटो मेरा रखा ब्लैकमेल करने लगा इसके साथ ही तो ये चीज़ें जब चल रही थी लगातार कि वहाँ अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं थी तो मैं डर भी गई कि नंगा फ़ोटो छाप दूंगा भाई ताकतवर लोग हैं प्रभावी प्रभावशाली लोग हैं प्रभावशाली तो ऐसे हैं कि आज भी देखिए हम तीन साल से आवाज़ उठा रहे हैं दो से अप्लीकेशन दे रहे हैं तो जगह जगह आज तक क्या हुआ उसमें अब मेरा बेटा चार साल का है इसका एडमिशन नहीं हो रहा है कहीं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना तो उस समय भी मैं इसीलिए डरी हुई थी कि अगर मैं आवाज़ भी उठाऊंगी तो ताकतवर लोग हैं मुझे दवा देंगे कुचल देंगे जो आज भी हो रहा है आवाज़ उठाने के बाद भी वही हो रहा है तो वजह यही थी कि उस समय आवाज़ नहीं उठाए और इस समय आवाज़ उठाए तो उसके बाद क्या हुआ अब उसके बाद ये है कि अब तो फिर अब सिर्फ मेरी मेरी लाइफ की बात नहीं है मेरा बच्चा भी है इसके फ्यूचर की बात है मैं इसके फादर नेम के लिए इसके लीगल राइट के लिए उसके बाद जब आपको पुणे बुलाया हाँ पुणे बुलाया तो पुणे में ये संजीव हंस थे इनके साथ और इन दोनों ने खाने पीने की चीज़ों में नशीली चीज़ें मिला के मेरे साथ किया उसका बायदा गुलाब यादव ना गुलाब यादव ने वीडियो बनाया और अब गुलाब यादव मुझे दूसरे तरीके से ब्लैकमेल करने लगा कि पहले तो मैं मेरा सिर्फ तुम्हारा न्यूट फोटो था अब मेरा संजीव तुम्हारा संजीव हंस के साथ है अगर संजीव आ, हंस के बारे में तो जान हाँ संजीव हंस बिहार कैडर के, के आई ऑफिसर हैं वो प्रेजेंट में ऊर्जा विभाग के सचिव हैं और उस समय पता नहीं किस पोस्ट पर रहे होंगे हाँ बिहार में ही हैं बिहार में सचिव हैं कोई सत्ता मतलब से भी जुड़े हुए हैं पार्टी से भी कोई कुछ नहीं, नहीं 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 दोनों चीज़ें नहीं हो सकती ना अभी सर्विस में है तो सत्ता पार्टी से तो जुड़ नहीं, नहीं सकते गुलाब यादव हो गुलाब या। या। यादव तो है राज तो ये चीज़ें ये दोनों अब गुलाब यादव मुझे दूसरे तरीके से ब्लैकमेल करने लगा कि अगर अब आवाज़ उठाई तो मैं ऐसा वीडियो रखा हूँ ये करूँगा वो करूँगा वीडियो वायरल कर दूँगा मार दूँगा तो ये पुणे के पुणे के होटल के बाद ये जब भी बुलाता था गुलाब यादव तो ये दोनों होते थे दोनों ने मिलकर हाँ लगातार उस दिन नशे की हालत में किया बेहोश करवाया नसीदी चीज़ें खिला पिला कर इसके बाद ये जब भी गुलाब यादव बुलाता था तो संजीव हसन के साथ होते थे तो इसीलिए मैं दोनों के गुलाब यादव आपको बुलाते थे तो आप जाते थे उनके पास न्यूड फोटो उनके पास पावर तो तो ब्लैकमेल किया जाए ब्लैकमेल ब्लैक मेलिंग लगातार ब्लैक कि नहीं आओगी तो ये कर दूंगा नहीं आओगी तो फोटो नंगी पोस्टर लगवा दूंगा पूरे बिहार में मैं सत्ता में हूँ मैं अभी सिटिंग एम एल ए हूँ तुमको ताकत का अंदाजा नहीं है वही जो आप बात बोली कि महिलाओं का शोषण पढ़ी लिखी हो या न पढ़ी लिखी हो शोषण हर लेवल पे आज भी बरकरार है बिल्कुल हो ही रहा है मैं मैं प्रत्यक्ष इस चीज़ का प्रमाण हूँ और इसके बाद जब मैं आवाज़ उठाना शुरू की तो आवाज़ में 2020 से एप्लीकेशन लिख रही हूँ 2020 से थाने जा रही हूँ 2020 से एसपी को लेटर लिख रही हूँ 2021 में न्यायालय गए आज तक एफ नहीं हुआ इनके ख़िलाफ़ जबकि आप वकील आप हैं मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ इसके बावजूद ये चीज़ है समाज में तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उन महिलाओं के साथ क्या होता होगा जो अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रही होंगी। अभी भी तो आपको डर होता होगा कि वो पिक्चर, पिक्चर वो पिक्चर फिर से वो, आप, वो अब अब डर देखिए अब 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 बातें हैं कि अब बात जान की है इज्जत जान सब अब तो कोई चीज़ अब सनेम कहता है कि माँ बेटे को मार के गंगा में डाल देगा रेप केस में जाने से अच्छा है मर्डर केस में जाऊंगा इधर उधर लोगों से धमकी दिलवाता रहता है गुलाब यादव तो अब जैसे मरना ही अपनी बातें रख रही हूँ तो अब तो मैं बिहार पटना में अगर मैं खड़ी भी हूँ तो अपने जान को खतरे में मतलब हमको हर पल ये डर है अंदर से कि मेरी हत्या हो सकती है मेरे बच्चे की हो सकती है लेकिन मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगी भले लड़ते लड़ते मर जाऊं हत्या हो जाए जो करना है कर ले लेकिन मैं आवा आवाज़ उठाई हूं और मैं न्यायिक प्रक्रिया से पूरी तरह से गुजर के मुझे मेरे बच्चे का फादर नेम और जो मेरे साथ अन्याय हुआ इसके लिए उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए गायत्री जी मेरा एक सवाल है कि आ... महिलाएं जो शोषित शोषण हो रही है महिलाओं की चाहे अशिक्षित हो या शिक्षित हो हर किसी के साथ हो रही है लेकिन जब उनके साथ ये होता है तो उस समय उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए क्या बार 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 बार, बार उन लोगों से शोषित होते रहे या उस समय आवाज, उठाना, आवाज चाहिए? उठाना चाहिए आवाज जैसे आपने सेल्टर होम का भी मामला डर से ऊपर उठना चाहिए आज अगर मेरा इतने साल तक शोषण हुआ इसके पीछे डर ही था और आज भी डर है लेकिन हाँ इतना शोषण हो हाँ, गई इतना शोषण बिल्कुल इमीडिएट फिर कोई किसी तरीके का डर हो किसी तरीके का वो उससे ऊपर उठ करके जो करना है कर दो लेकिन हम आवाज उठाएंगे उस समय आप उस समय आप एक जान थी आप दो जान, 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 तो जान, तो जान उस समय मुझे मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं डरी थी, मैं आज भी डरी हूँ क्योंकि देखिए आप किसी को बोलेंगे ना कि चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो उसको बोलेंगे कि तुमको गोलकन पट्टी पे बंदूक लगा दीजिए डरेगा नहीं डरेगा ना महिलाओं के लिए क्या महिलाओं के लिए है कि जो भी चीज अगर कोई अत्याचार हो रहा है कोई भी क्राइम हो रहा है हमको इमीडिएट आवाज उठानी चाहिए भले उस आवाज को उठाने का अंजाम हमारी मृत्यु क्यों न हो जाए क्योंकि डर डर के घुट घुट करके जीने से अच्छा है कि अपने हक की लड़ाई लड़ना अपने अधिकार के लिए लड़के मरना और डर के आगे जीत भी है चलिए गायत्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और जैसा कि यह कह रही हैं लगातार इनके साथ शोषण हो रहा था लेकिन मैं हर उन महिलाओं को कहना चाहूंगी कि इस तरह से डर के ना जिये शोषण ना हो और इनमें अब हिम्मत इसलिए आया है क्योंकि ये अब एक माँ बन गई है और माँ में सबसे बड़ी ताकत होती है क्योंकि अपने बच्चे के लिए वो हर किसी से लड़ने के लिए वो तैयार हो जाती है चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ धन्यवाद लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें